चालू होने वाली थी, पूजा का टाइमिंग था 3:30 बजे, पर पूजा लेट, गर्मी के वजह से पूजा थोड़ा लेट चालू हुई। 5:30 बजे के आसपास पूजा चालू हुई, हम लोगों ने पूजा की। पूजा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली ही थी कि ये लोग वामपंथी लोग आते हैं, एकजुट बनाते हैं, ये लोगों का प्री प्लान पूरा सब कुछ प्लान होता है कि हम लोगों को ये चीज़, ये पूजा होनी नहीं देनी है। तो पूजा के खिलाफ जाकर ये लोग अपना चिकन का एजेंडा बनाते हैं, क्योंकि ये लोग सीधे तो बोल नहीं सकते हैं कि हम लोग पूजा के खिलाफ है, तो इसीलिए ये लोग अपना चिकन का अलग से एजेंडा बनाते हैं। फिर उसके बाद लोगों को बोलते हैं कि चिकन बनेगा तो बनेगा, और चिकन नहीं बनेगा तो मैं इसमें खाना नहीं बनेगा आज। मतलब कि ये लोग वो हैं जो लोग बोलते हैं कि हम लोग एक एक को ध्यान में रखते हुए हम लोग JNU की फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग JNU की फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हर जगह के लोग आते हैं, हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं वहाँ पर, और यही लोग बोलते हैं कि खाना नहीं बनेगा। फिर उस दिन का खाने का पैसा ये लोग क्या उन लोगों को देंगे? क्या ये लोग उन लोगों को जाके खिलाएंगे पैसा वहाँ पे? क्या आप लोगों ने चिकन बनाने से रोका, अगर मैं इसकी बात करें, क्योंकि उनका आरोप है कि चिकन बनाने से रोका गया नॉनवेज को लेकर सारी घटना? चिकन बनाने से हम लोगों ने नहीं रोका है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब खाते हैं, और बस ये चीज़ मैंने, एक घर में पूजा भी हो रही है, एक घर में अगर आप नॉनवेज भी बना रहे हो तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो जहाँ भी पूजा हो रही थी वहीं पे हम लोगों ने परमिशन ले रखी थी, मैस जो वर्कर्स होते हैं वो लोगों से बात हो रखी थी कि उस दिन सिर्फ वेज खाना बनेगा, उस दिन आप नॉनवेज नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये घटना अभी से शुरू हुई, अगर कल की बात करें, इससे पहले भी कुछ अंदर मन मुटाव चल रहा था कोई किसी बात को लेकर? नहीं, हम लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोगों का तो बस प्लानिंग था कि हम लोग पूजा करवाएंगे अच्छे से। इसीलिए हम लोगों ने 4-4 प्रोग्राम थे हम लोगों के, कि आज रामनवमी का अवसर है तो हम लोग उसमें कुछ अच्छे से प्रोग्राम करें, और सब लोग घर नहीं गए, बहुत दिनों से कुछ रिलीजियस प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने बस यही सोचा था कि अच्छे से प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कह रहे थे कि हवन की बात करें उसमें हड्डियाँ डालने की बात है, ऐसे कुछ उधर से हुई थी विपक्ष की तरफ से? हाँ, ये चीज़ बिल्कुल वो लोगों ने बोली थी कि आप, मतलब ये चीज़ उन लोगों ने ओपनली बोली थी, पर्सनल लोगों को जाकर बोली थी, क्योंकि ये चीज़ वो लोग ओपन नहीं बोल सकते हैं। चोट कैसे लगी अगर बताना चाहें? मुझे चोट ऐसे लगी थी, मैं जब कावेरी हॉस्टल से जब बाहर जा रही थी, मेरे हॉस्टल में जा रही थी, तो वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया, लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी वहाँ पे, तो वो लोगों के हाथ में डंडे थे, कांच का बॉटल था, कांच के बॉटल से मुझे उन लोगों ने हाथ में ऐसे डाल दिया था, मतलब मेरा हाथ ऐसा लग गया था, तो मेरे डीप कट्स आ गए थे, तो उसके वजह से मुझे लग गई थी। फिर मैंने डंडा थोड़ा पकड़ वगड़ के छुड़ा के मैं फिर वहाँ से चले गई। कहा जाता है कि आपने झंडे के द्वारा आपने भी वो किया था, हमला किया था, जिस झंडे की बात सामने निकल के आ रही, हम जिस झंडे को लहराते हैं उस झंडे को हम लोग मारने के लिए कभी यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग झंडा लहरा रहे थे, हमारे पूजा में लगे हुए थे झंडे, वो लोगों ने खुद झंडे निकाले, झंडे को फाड़े वहाँ से, इसीलिए हम लोगों को लगा कि अब तो ये लोग ये चीज़ गलत कर रहे हैं। उन लोगों के पास ऑलरेडी डंडे ऑलरेडी थे, डंडे थे, ये लोगों ने पत्थर भर के लेकर आए थे, ये लोगों के पास कांच के बॉटल्स ये लोगों ने फोड़ के लेके आए थे। आगे आप लोग क्या करने का प्लान है? अगर मैं समझूँ, क्योंकि 2 बजे तो उन लोगों की अगर बात करें विरोध प्रदर्शन है दिल्ली मुख्यालय के बाहर, हम लोग भी कुछ करेंगे, अभी इस चीज़ का कुछ वो नहीं है, हम लोगों ने FIR की है, और हमारे जो लीडर्स हैं वो जो गाइड करेंगे, तो अब हम लोग आगे उसके फॉलो करेंगे। क्या नाम है? अभिषेक, मैं MA सोशियोलॉजी का अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। कैसी घटना की अगर बात करें, कैसी हुई घटना? क्योंकि अगर लेफ्ट विंग के छात्रों की बात करें, उनका कहना है कि ये सारा चिकन नहीं बनाने दे रहे थे, ये इसीलिए सारा का सारा घटनाक्रम हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर चिकन नहीं बनाने देते तो सुबह के जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू रहता है उसमें अंडा भी तो सर्व किया गया था, क्या वो मांसाहारी की श्रेणी में नहीं आता? ऐसा कुछ बात नहीं है, एज ए नैरेटिव है, इन लोगों का सीधा मकसद था कि रामनवमी नहीं होने देंगे। रामनवमी? हाँ, आप रामनवमी की पूजा कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने चिकन बनाने से रोका, उनका आरोप ही? ऐसा कुछ नहीं है, हम क्यों रोकेंगे, हम कौन होते चिकन बनाने के रोकने के लिए? ऐसा कुछ नहीं, बस वो उनका नैरेटिव है। हाँ, जिस तरह से अगर बात करें लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं, पुलिस मुख्यालय के बाहर 2 बजे प्रदर्शन करने वाले हैं, आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है आप लोग? देखिए, हम लोग ज्ञानशील एकता की बात करते हैं, हम लोग जिस संगठन से आते हैं उस संगठन का एक अपना जो पद्धति है उसके तहत कार्य करते हैं। हम लोगों ने रात को ही MLC करवाया, जो हम लोग का चोट था उसका इलाज करवाया, इलाज कराने के बाद में आज सुबह जाके हम लोगों ने FIR करा दिया है, और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो आगे के दिल्ली पुलिस के तहत होगी। हाँ, मारपीट की बात सामने आ रही है कि मारपीट भी हुई, झगड़ा भी हुआ, कैसे हुआ? देखिए, मारपीट की जहाँ तक बात है तो मारपीट के बाद में तो अभी हम ऐसे खड़े हैं, लेकिन मेरे सर पे चोट आई रॉड से, और सर पे चोट में मेरा ब्लड क्लॉटिंग हुआ है। हम समझिए कि हम भर्ती नहीं है, बस यही है, मेरा
मेजर इंजरी आ गया है। मेरा कभी मेजर ऐसा इंजरी नहीं था अचानक से, और इसके कारण मुझे बहुत समस्या है। डॉक्टर बोला कि आपको एडवाइज है कि नहीं चेक कराएंगे तो भविष्य में समस्या बढ़ जाएगी। और बताइए, इन लोगों को रॉड के चलते कोई छात्र, और यहाँ पे हमको ये लोग ये कर दिए देखिए, और ये तरह तरह के हथियारों से वार करते हैं। क्या मारपीट इनका एक एजेंडा है, शुरू से ये रहा है कि मारो इनको भगाओ। हाँ, रामनवमी की बात करी, पहली बार पूजा की गई थी, इससे पहले पूजा होती रही। क्या है ना कि जो पूजा का पत्ती है दुर्गा पूजा, आज से हम लोग 10 साल पहले से मना रहे हैं। तो क्या था कि उस समय भी ये लोग दुर्गा पूजा में मांस और वगैरह वगैरह चीज़ें हवन फेंक देते थे, और आज भी उसी टाइप की घटना कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पूजा 10 सालों से 8 सालों से मना रहे हैं, कुछ ऐसा कि नया मना रहे हैं, और पूजा है ये तो होना ही चाहिए, इसमें क्या किसी को विरोध हो सकता है। मान लीजिए हम चीज़ हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबों का होना चाहिए, इसमें क्या है, पूजा को लेकर क्यों विरोध, और उन लोगों का बस पूजा को लेकर लगातार विरोध। कहने का मतलब कि पूजा रोकना चाहते थे। हाँ, क्लियर सी बात है, वो लोग एक सप्ताह से यही साजिश करते हैं, फर्जी नोटिस लाना, तरह तरह के हथकंडे अपनाना, क्योंकि इनका पूजा ही रोको, बस मकसद मोटिव उनका वही था मेन। पूजा की परमिशन ली गई थी अगर बात करें जेएनयू प्रशासन से? देखिए, परमिशन की इंडिपेंडेंट छात्र होते हैं, छात्रों की सहमति होती है। सहमति अगर तो 150 छात्रों 200 छात्रों है जो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है, पूजा तो पूजा होता है, उसमें कोई तो ये मारपीट ये सब तो होने वाला है नहीं, शांति से पूजा होता है। और मान के हम घर में पूजा करने जाते हैं तो कैसे किसी अनुमति लेके जाते हैं, पूजा तो पूजा होता है ना, तो पूजा करना है, पूजा मतलब शांति। लेफ्ट के छात्रों की तरफ से ऐसी धमकी मिली थी कि अगर आप पूजा करेंगे तो हवन में हड्डियां डालेंगे, मांस डालेंगे, ऐसी धमकियां मिलेंगी, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहे थे। देखिए, लेफ्ट के छात्रों का पुराना आदत रहा है, कोई नया धमकियां नहीं मिले, शुरू से 10 सालों से दुर्गा पूजा में करते आ रहे हैं, हवन में मांस फेंक देना, दुर्गा माता की प्रतिमा पर तरह तरह की अभद्र टिप्पणियां करना, दुर्गा माता को बेस्या बताना, इन लोगों को शुरू से ही चल रहा है, कोई आज नया नहीं है, और ये उसी चीज़ को फिर से दोहरा रहे हैं। सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम विजय प्रधान है, मैं यहाँ BA सेकेंड ईयर में फ्रेंड से BA कर रहा हूँ, और मैं मूलतः जयपुर से हूँ। सर, कैसी अगर घटनाओं की बात करें, कैसा शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जिस तरह से लेफ्ट छात्रों का आरोप है कि नॉनवेज को लेकर पूरा की पूरी ये जो झगड़ा शुरू हुआ नॉनवेज को लेकर हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल रामनवमी का जो शुभ अवसर था, तो रामनवमी का आयोजन होना था 3:30 बजे, तो ये लोग नहीं चाहते थे कि रामनवमी हो, रामनवमी का आयोजन हो, यहाँ JNE में पूजा हवन ये सब हो, तो उन्होंने फिर धमकियाँ दी कि हम हड्डियाँ फेंकेंगे हवन में, लेकिन तुम्हें आयोजन नहीं करने देंगे। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से आयोजन 5:30 बजे शुरू हो पाया। तो फिर जैसे ही आयोजन संपन्न हुआ, तो ये लोग पहले से ही बाहर संगठित थे मारने के लिए, ऐसा लग रहा था। लेकिन चोट की बात करें तो चोट आपको कैसी लगी? कैमरे पर्सन से बोलूँगा कि अगर दिखाने की कोशिश, कैसे चोट आपको लगी? जी, मैं जैसे ही प्रसाद लेकर बाहर आ रहा था, तो उन्होंने मुझे चिन्हित किया, वो लोग पहचान गए कि ये भी पूजा से आ रहा है, तो उन्होंने मारना शुरू किया। मैं भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाया, मैं गिर गया, तो चारों तरफ से मारा है घेर के। मैं हाथ जोड़कर विनती की मैंने, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। लेकिन जिस तरह से उनका आरोप है, नॉनवेज को आप नकारते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बहुत से लोग नॉनवेज, बहुत से साथी हैं नॉनवेज खाते हैं, JNU के लगभग 70-80% नॉनवेज खाते हैं, और हफ्ते में 4 दिन नॉनवेज भी बनता है पूरे सभी हॉस्टलों में, तो नॉनवेज वाली कोई आपत्ति नहीं थी। इन्हें सिर्फ मुद्दा चाहिए था कि नॉनवेज वाला मुद्दा पकड़ लिया इन्होंने, और फिर उसे ही हवा दी इन लोगों ने। ये लोग चाहते थे कि रामनवमी ना हो। आगे आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर देखें लेफ्ट के छात्राओं का पुलिस मुख्यालय के बाहर 2 बजे प्रदर्शन, आपका क्या आगे प्लान है? जी, ये लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए, हम लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए, और ये थाने पहुंच गए सीधा, मतलब साफ है कि इन्हें सिर्फ मतलब अपने आप को विक्टिम बताना था, और हम अपना हमारा इलाज करवाने सीधा हॉस्पिटल पहुंचे थे, और ये लोग पहुंच रहे थाने, तो हमें 5:30-6 बज गए थे थाने में, मतलब यहाँ MNC करवाने के बाद हॉस्पिटल से, हम सुबह 5:30-6 बजे के आसपास यहाँ कैंपस पहुँचे, तो फिर हमने आराम किया। अब यहाँ से फ्री होके हम सीधा थाने जाएंगे, FIR करेंगे संगठन की ओर से। FIR करेंगे संगठन से? जी। धन्यवाद। क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम विजय प्रधान है। विजय जी हैं, विजय जी को चोट लगी है, कैमरा पर्सन से बोलो तो दिखा सकते हैं कि पैर में काफ़ी चलने में भी दिक्कत हो रही है, AVP के छात्र हैं, और जिस तरह से अगर बात करें JNU इस समय चर्चा का विषय फिर एक बार हो गया है। आप देखते रहें, इससे पहले भी JNU हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, और आज फिर एक बार आप देख सकते हैं JNU कैंपस के बाहर हैं हम, जस्ट JNU कैंपस के बाहर से आपको ये सारे फुटेज दिखा रहे हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से रात को अगर बात करें ट्विटर
स्तर पर जिस तरह से दोनों गुट के लोगों की बात करें, दोनों गुट के लोगों ने वीडियोज पोस्ट करना शुरू किया और नॉनवेज को लेकर जो लेफ्ट छात्रों का कहना है कि वहाँ पर नॉनवेज नहीं खाने दिया जा रहा था, क्योंकि अगर बात करें जो एबीपी के छात्रों का कहना कि ऐसा कुछ भी नहीं था, रामनवमी को लेकर रामनवमी की पूजा थी, वो पूजा ना करने दे रहे, पूजा नहीं करने दे रहे थे, इसलिए सारा का सारा विवाद शुरू हुआ। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिए दैनिक पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।